वेलकम क्लास। तो कल हमने मुर्गी पालन या कुक्कुट पालन के बारे में कुछ प्रारंभिक जानकारियां जो हैं वो हमने प्राप्त की थी, और हमने ये कहा था कि इसकी जो विभिन्न प्रजातियां हैं उनके बारे में हम यहां पर चर्चा करेंगे। ओके, तो मुर्गे की जो प्रजातियां हैं वो वास्तव में एशिया महाद्वीप से ही अनेक मुर्गे की प्रजातियों का उद्भव हुआ है, और भारत में अनेक प्रजातियां जो है वो उत्पन्न हुई हैं। लगभग मुर्गों की 100 से अधिक किस्में हैं, लेकिन कुछ सेलेक्टेड जो वैरायटीज हैं उनको ही पालने के लिए उपयोग में लाया जाता है, और इनसे मांस और अंडे जो हैं वो प्राप्त किए जाते हैं। तो इन विशिष्टताओं के आधार पर मुर्गों की इन प्रजातियों को कुछ श्रेणियों में हमने डिवाइड जो है वो किया है। एक हो जाएगा आपका अंडे देने वाले प्रकार, दूसरा मांस देने वाले प्रकार जिनको कि हम मीट टाइप कहते हैं, और एक तीसरा प्रकार होता है एंटरटेनमेंट एंड ऑर्नामेंटल टाइप, मनोरंजन के लिए या उनको हम उनके दिखने में अच्छे होते हैं तो उनको सजावटी रूप में भी हम इनको ले सकते हैं, और एक चौथा प्रकार होता है जो अंडे और मांस दोनों ही हमें अच्छे दे देते हैं, तो इसको हम बोथ एग एंड मीट टाइप कहते हैं। तो दक्षिण और मध्य भारत में जंगली मुर्गों का उद्गम हुआ है, और वे प्रजातियां जिन्हें विदेशों से आयात किया गया है उन्हें एक्जोटिक ब्रीड्स जो हैं वो हम कहते हैं कि ये हमें बाहर से हमने मंगवाई है इसको। तो यहाँ हम देखेंगे इनको कि किस प्रकार से कौन कौन सी प्रजातियां जो हैं वो है। तो मुर्गे की जो प्रजातियां हैं उनको हम जो कि पालने के लिए काम में ली जाती है उनको चार भागों में विभक्त किया जाता है। पहला भाग जो है वो एशियाटिक क्लास कहलाता है या एशियाटिक वर्ग। इसमें हम उन सभी मुर्गों की प्रजातियों को रखते हैं जिनका विकास एशिया महाद्वीप से हुआ है, और जनरली इनका जो बॉडी साइज है वो बड़ा होता है, हड्डियां इनकी मजबूत होती हैं, और ये ज़्यादा अच्छी किस्म के अंडे नहीं देते हैं, और इनके अंडों का जो रंग है वो भूरा होता है, और इनका जो मैचुरेशन है वो भी थोड़ा धीमी गति से होता है। तो इनके तीन जो हैं वो प्रमुख वर्ग हैं। पहला जिसको हम ब्रह्मा या ग्रे चिटेगोंग्स कहते हैं, इनका उद्गम भारत की ब्रह्मपुत्र वैली से हुआ है। ये नाम आपको ध्यान में रखने हैं कि एशियाटिक वर्ग में तीन जो हैं वो प्रमुख वर्ग हैं, एक ब्रह्मा हो गया, दूसरा कोचीन या इसको शंघाई फाउल जो है वो भी कहा जाता है। तो एक्चुअली इनका जो ओरिजिन है वो चीन के शंघाई प्रांत से हुआ था, इसलिए इनको हम शंघाई फाउल भी कहते हैं। और एक तीसरा प्रकार है लैंगशिन, ये एशियाटिक क्लास के तीन वैरायटी हैं। लैंगशिन जो हैं वो चीन के लैंगशिन प्रांत से हुआ है। अब इन तीनों मुर्गों के ये किस प्रकार के नजर आते हैं, देखिए आप यहाँ पर, ये है आपका ब्रह्मा या ग्रे चिटेगोंग इसको कहा जाता है, ग्रे चिटेगोंग, ग्रे कलर का है ये मेनली, और दूसरा जो है वो आपका कोचीन या शंघाई मुर्गा जो है वो इस प्रकार से हमें नजर आता है, और तीसरा जो लैंगशेन जो हमने कहा था ये लैंगशेन प्रकार के हैं, ये थोड़े से काले रंग के होते हैं। ओके, नेक्स्ट आता है इंग्लिश क्लास, वो था हमारा एशियाटिक क्लास जिसमें तीन थे आपके, ब्रह्मा चिटेगोंग, जो हमने कहा था उसको ब्रह्मा या चिटेगोंग, ग्रे चिटेगोंग, दूसरा कोचीन या शंघाई फाउल, और तीसरा लैंगशेन फाउल। अब हम आ जाते हैं अंग्रेजी वर्ग में। इन सभी अंग्रेजी वर्ग क्यों कहा इनको, क्योंकि इन सभी प्रजातियों का उद्गम जो है वो इंग्लैंड से हुआ था। इनमें क्या होता है कि इनकी जो बॉडी है वो लंबी होती है, और शोल्डर जो है वो थोड़े चौड़े होते हैं, और पंख जो है उनमें इन सब में सफ़ेद रंग के होते हैं। हालांकि इनमें कुछ वैरायटी जो है वो ब्लैक भी हैं, लेकिन यहाँ पर हम जो देख रहे हैं वो सभी सफ़ेद रंग की होती है। इनका जो मांस का जो स्तर है वो अच्छा होता है, यानी इससे अच्छा मांस जो है हमें मिल जाता है, लेकिन अंडे देने के लिए इनको ये किस्म को बहुत अच्छा नहीं कहा जा सकता है। इसमें चार जो वैरायटी हैं वो ध्यान रखनी है, नाम याद रखने हैं आपको, कॉर्निश, ये देखिए यहाँ पर, ये क्योंकि चारों ही लगभग ये वाइट टाइप के हैं,
कॉर्निश, ऑपिंगटन या ऑर्पिंगटन कहा जाता है इसको, ये ऑर्पिंगटन, और एक आपका ससेक्स, ये ससेक्स, और एक ऑस्ट्रेलॉर, ये ऑस्ट्रेलॉर पर है। तो आप देखेंगे कि ज्यादातर ये सभी सफेद हैं, ससेक्स में हमने यहाँ पर देखा कि ये थोड़ा सा इसमें अंदर ब्लैक है। तो पंख चौड़े होते, इनके कंधे चौड़े होते हैं, पंख सफेद रंग के होते हैं, मांस जो है वो अच्छा देती हैं ये, लेकिन अंडे जो हैं वो इनके अच्छी वैरायटी के हमें यहाँ पर नहीं मिलते हैं, अच्छी मात्रा में नहीं मिलते हैं, इसलिए इनको हम मिड टाइप जो है वो कह सकते हैं। एक आपका मेडिटेरेनियन क्लास, मेडिटेरेनियन क्लास, इनका जो है वो मेडिटेरियन महासागर के किनारे के बसे देश, जैसे कि इटली जो है, भूमध्य सागर जिसको हम कह रहे हैं, वहाँ हुआ है, और इनकी ग्रोथ जो है वो अच्छी होती है और अंडे भी ये अच्छे देते हैं। तो ये सफेद रंग के अंडे देते हैं और इनकी खाद्य सामग्री की आवश्यकता भी बहुत कम होती है, यानी ये कम खाते हैं तो हमें फूड इनको कम देना पड़ेगा। तो मेडिटेरेनियन क्लास जो है उसको अगर हम देखें तो इसमें पहली जो क्लास है आपकी वो है मिनोर्का। ध्यान रखिए भूमध्य सागर के किनारों के आसपास जो प्रदेश देश हैं वहां से इनकी उत्पत्ति हुई है। तो ये पहला मिनोर्का जो है इसकी उत्पत्ति स्पेन से हुई है, और ये अच्छे अंडे देने वाली प्राणी है, और इनके चूजे भोजन में भरपूर रूप से प्रयोग में लाए जाते हैं, तो खाने के लिए भी इनको काम में लिया जाता है। दूसरा प्रकार लेगोन, ये इटली से उद्गमित हुए हैं और सबसे अच्छी किस्म है इनकी, ये इटली से हुए हैं, सबसे अच्छी किस्म है इनकी ये, और इनके अंडे संख्यात्मक और गुणवत्ता की दृष्टि से उत्तम होते हैं, और लेगोन प्रजाति जो है उसमें काली, सफेद और भूरी, ये तीन प्रकार के कलर में हमें यहाँ पर ये मिलते हैं, जो हमने यहाँ पर बता रखा है, ये काला है, ये सफेद प्रजाति है इसकी, और ये भूरी है। तो सूखे जो इलाके हैं वहाँ ये किस्में आसानी से वृद्धि जो है वो कर लेती है, सूखे इलाके से मतलब जहाँ पानी की कमी हमारे को मिलती है। तो ये लेगोर्न हो गया, पहला मिनोर्का हो गया था, दूसरा लेगोर्न हो गया। ओके, तीसरा अगर हम देखें यहाँ पर, तो ये प्रजातियां अंडे और मांस इनके लिए अच्छी जो है वो होती हैं। अंडों का जो कवच है वो भूरे रंग का होता है, ये अमेरिकन क्लास की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर। तो पहली है आपका रोड आइलैंड रेड टाइप, इसका ओरिजिन जो है वो न्यू इंग्लैंड के रोड आइलैंड के ऊपर हुआ है। इसमें जो कलगी जो होती है, ये वाली जो बात कर रहे हैं यहाँ पर, ये रोज और कॉम्ब दोनों प्रकार की हो सकती है। अब देखिए ये रोज कॉम्ब है, ये रोज कॉम्ब है, ये सिंगल कॉम्ब है, ये कुशन है, और ये वी कॉम्ब है। उनमें अलग अलग प्रकार की कॉम्ब जो है पाई जाती है। जेनेटिक्स में आपने शायद लास्ट ईयर पढ़ा होगा कि आपके एक इनके क्रॉसिंग का क्वेश्चन था, है ना, रोज कॉम्ब और सिंगल कॉम्ब के अंदर क्रॉसिंग जो है वो करवाई जाती है, किस तरह से इनका होता है। तो इसलिए मैंने आपको यहाँ पर ये डायग्राम जो है वो दे दिया है। तो ये रोड आइलैंड है ये। अब ये देखिए यहाँ पर इनमें अलग अलग प्रकार के, यहाँ से उस टॉपिक्स पर नहीं जाकर के, जो कॉम जो आया था उसमें बता रहा हूँ मैं आपको, ये रोज कॉम है और ये सिंगल कॉम है, ये कुशन कॉम है, ये वी कॉम है। इसके अलावा वॉलनट, पी, स्ट्रॉबेरी, कार्नेशन और बटरकप, ये हालांकि ये सभी अमेरिकन क्लास नहीं है, यहाँ पर मैंने आपको खाली कॉम टाइप बताने के लिए कि वहाँ नाम आया था कि रोज कॉम होता है और सिंगल कॉम होता है, तो ये भी बता दूँ आपको कि ये इस प्रकार की आपके ये यहाँ पर ये पाई जाती है। ओके, दूसरा प्रकार है अमेरिकन मुर्गों में, वो है प्ले माउथ रॉक। ये अमेरिका के मुर्गों की सबसे पुरानी नस्ल है और ये अच्छे आकार के अंडे देने वाले प्राणी हैं, यानी एक टाइप हम इनको कह सकते हैं। एक है आपका न्यू हैम्पशायर टाइप, इसका उद्गम न्यू हैम्पशायर से हुआ है, और इसके अंडे जो हैं वो आकार में बड़े होते हैं और उसमें योग की मात्रा भी अधिक होती है। इसके अलावा ये अच्छा मांस भी इनसे हमें मिल जाता है, तो ये एग एंड मीट दोनों टाइप के लिए सूटेबल जो है वो होते हैं। एक आपका वेंडोन टाइप, ये हल्के पीले पंखों वाले प्राणी हैं और अंडे और मांस दोनों ही ये अच्छी गुणवत्ता के हमें दे सकते हैं। पांचवा जो प्रकार है वो है आपका इंडिजेनस ब्रीड्स, उन्नत नवीन नस्लें जो है भारत में बनाई गई हैं। तो भारत में मुर्गों की कुछ ही नस्लें जो है वो प्योर हैं, इन्हें हम सम्मिलित रूप से देशी मुर्गियों के नाम से जानते हैं। तो भारत में देशी मुर्गों की चार वैरायटी जो है वो होती है।
पहला चिटेगोंग या मलय, ये अंडे देने वाली अच्छी किस्म है और इनका मांस भी जो है वो स्वादिष्ट होता है। दूसरा है घाघुस, ये आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में प्रचुरता से पाई जाती है और इस प्रकार के मुर्गे का वजन 4 kg और मुर्गी का 3 kg के लगभग हो जाता है, तो अच्छा मीट इनसे हमें मिल सकता है। एक है आपका असील, ये सफेद या काले रंग की होती हैं, ये झगड़ालू प्रवृत्ति के जीव होते हैं, आपस में काफी फाइटिंग इनके अंदर होती है, इसलिए इनको मिक्स ब्रीडिंग में हम इनको मिक्स पोल्ट्री कीपिंग में हम इनको काम में नहीं ले सकते हैं, अन्य नस्लों के साथ में इसको नहीं पाला जा सकता है और इनकी ग्रोथ भी जो है वो धीमी होती है, और एक सामान्य प्रयोग हेतु इन्हें कम ही प्रयोग में लाया जाता है, ये मुख्यतः आंध्र प्रदेश के अंदर जो है वो पाए जाते हैं। अब मुर्गों में प्रजनन जो है वो किस प्रकार से करवाया जाता है, तो इनकी पोल्ट्री कीपिंग का ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। जो लेगोर्न और रोड आइलैंड है, इनको जो इंडिजिनस किस्म होती है इनके साथ में संकरित करवा करके उच्च गुणवत्ता वाली प्रजातियां प्राप्त की जा सकती है। तो इंटरनेशनल मार्केट में कुछ प्रजनन केंद्र जो है कि फेमस हैं, वो है कनाडा का शेवर और अमेरिका की हाई लाइव या आर्बर एकर्स। अब इनमें जब हम प्रजनन करवाते हैं तो हमें कुछ चीजों का ध्यान जो है वो हमें रखना पड़ेगा। किन किन चीजों का ध्यान जो है वो हमें रखना चाहिए कि प्रजनन के लिए बड़े आकार के और अच्छे मोटे ताजे हष्ट पुष्ट जो मेंबर हैं उनका ही चुनाव हमें करना चाहिए। जो रोगी हैं या आकार में छोटे हैं या जिनकी ग्रोथ जो है वो धीरे होती है, ऐसे मुर्गों को इस काम में नहीं लेना चाहिए। दूसरी चीज कि ये ध्यान रखना चाहिए कि 2 साल की मुर्गियों का 1 साल के मुर्गे के साथ प्रजनन जो है वो करवाना चाहिए, और ये भी सुनिश्चित करना चाहिए कि दोनों नर और मादा एक ही प्रजाति के नहीं हों। इसको हम क्या कहते हैं, पर प्रजनन या क्रॉस ब्रीडिंग जो है वो कहलाते हैं। ऐसा क्यों करते हैं, आपने पढ़ा होगा कि जो हाइब्रिड्स जो हैं, हाइब्रिड्स आर मोर विग्रेस देन प्योर लाइंस, जेनेटिक्स में आपने पढ़ा है ये, है ना। तो हमेशा ऐसी मुर्गी का चुनाव करना चाहिए जो उच्च मात्रा में अंडे देने की क्षमता रखती हो। इन सारे कामों के लिए एक अच्छा हमारा मैनेजमेंट जो है वो होना चाहिए, और इसी के साथ में मुर्गे का जो चुनाव हम कर रहे हैं उसमें आकार के अलावा उसका जो मीट हमें मिलता है उसकी गुणवत्ता कैसी है, उसकी वो उसकी एक्टिविटी किस प्रकार की है और पंख किस प्रकार के हैं, उसमें हड्डियों का आकार कैसा है, कलर उसका किस प्रकार का है, इन सभी का भी ध्यान जो है हमें रखना चाहिए। तो जिन मुर्गों को हम केवल मांस के लिए पालते हैं उन मुर्गों को हम क्या कहते हैं, ब्रॉयलर कहते हैं। वहां हम ये उनसे ये अपेक्षा नहीं करते कि ये हमें अच्छे अंडे जो हैं वो भी देंगे। एक और ध्यान रखना चाहिए हमारे को यहाँ पर कि एक मुर्गे के साथ 4 मुर्गियों से अधिक का प्रजनन नहीं करवाना चाहिए। इस तरह का जो लिमिटेड ब्रीडिंग जो हम करवाते हैं उससे रिजल्ट जो है हमें अच्छा मिलता है, और मुर्गी को अगर हम देखें तो वो न तो बहुत ज्यादा मोटी होनी चाहिए और न बहुत पतली या कमजोर होनी चाहिए। इसलिए हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा कि प्रजनन के लिए हम मुर्गा और मुर्गी का जो चुनाव कर रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है हमारे जो रिजल्ट समय मिलेंगे उसके लिए। तो हमें क्या करना चाहिए कि एक एंसेस्ट्रल रिकॉर्ड जो है वो इसका हमें बना करके और रखना चाहिए, और उसके आधार पर हमें इनमें ब्रीडिंग करवानी चाहिए। हमें पता होना चाहिए कि ये चीजें जो है हमने इन इन मुर्गों से ब्रीड करके और हमने हमारा ये जो अभी जो जनरेशन चल रही है वो किन किन पूर्वजों से हमें मिली थी। तो एक रिकॉर्ड रखने से हमें ये फायदा होगा कि हमें ये पता चलता है कि इन इन प्रकार के मुर्गों से अगर हम प्रजनन करवाएंगे तो हमें रिजल्ट अच्छे मिलते हैं या नहीं मिलते हैं। इस तरह से धीरे धीरे जो काफी जनरेशन हम अगर प्राप्त कर लेते हैं, चिड़िया प्राप्त कर लेते हैं, तो हमें एक आइडिया हो जाता है कि किस प्रकार के मुर्गों के बीच में प्रजनन जो है वो करवाना चाहिए। तो इसके अनुसार अधिक अंडे देने वाली और स्वस्थ और हष्टपुष्ट नस्ल वाली लाइनों का ही चुनाव करना चाहिए और इनमें प्रजनन जो है वो करवाना चाहिए। तो सामान्यतः हम देखें कि कौन हमारे क्या स्टैंडर्ड्स क्या होंगे कि ऐसी मुर्गी जो कि 1 साल में 250 से 280 अंडे देती हो, वही मुर्गियों को हमें प्रजनन के लिए काम में लेना चाहिए। अब उनके आकार को देख करके भी हम थोड़ा सा एक अनुमान जो है वो लगा सकते हैं उनकी बॉडी की का स्ट्रक्चर देख करके। ऐसी मुर्गियों का चुनाव करना चाहिए जिनकी चोंच छोटी हो और सिर के अनुपात में सही बैठती हो।
उनकी जो कलगी है ऊपर, कॉम्ब जिसको हम बात कर रहे थे, वो चमकीला लाल रंग होना इसके स्वास्थ्य को बताता है। और ये देखा गया है कि ऐसी मुर्गियां जिनकी की कलगी जो है वो चमकीली लाल रंग की होती है, वो अधिक अंडे जो है वो देती है। हल्का रंग जो है वो इनकी हेल्थ कमजोर होना और कम अंडे देने की प्रवृत्ति को बताता है। और दूसरा, अगर हम उनका एब्डोमेन का आकार हम देखें, तो आकार एब्डोमेन का बड़ा और ट्रायंगुलर होता है, त्रिभुजाकार होता है, ऐसी मुर्गियां ज्यादा अंडे हमें देती हैं। तो इन लक्षणों को भी हमें ध्यान में रखना चाहिए। इसके अलावा अंडे देने का चक्र, ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके आधार पर मुर्गियों का चुनाव जो है वो किया जाता है। अब अगर अंडे देने का चक्र नियमित है तो एक मुर्गी एक अंडा रोज दे देती है हमारे को। अगर चक्र नियमित नहीं होगा तो 3-4 दिन के अंदर वो एक अंडा देगी। तो हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा कि ऐसी मुर्गियों का चयन किया जाता है जो अंडों को सेने में कम टाइम लेती हैं। क्या होता है कि जब वो अगर अधिक समय तक अंडों के ऊपर ही बैठी रहेगी तो अंडे देने की प्रवृत्ति जो है उसके अंदर कम हो जाती है। तो मुर्गों की नस्ल में इस प्रकार से हम सुधार जो है वो कर सकते हैं, और इस डिफरेंट मेटिंग सिस्टम्स का प्रयोग जो है उसके अंदर किया जाता है, और अलग अलग प्रकार की उत्तम नस्लों के बीच में संकरण करवा करके और श्रेष्ठ परिणाम जो है वो हमें मिलते हैं। तो प्रजनन करवाने के कुछ तरीके जो हैं उनके बारे में हम अगली क्लास में चर्चा करेंगे।